नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट आज आपका सेल ग्रोथ करके रहूंगा। सेल आपको बढ़ाना है, अपना वर्चस्व बढ़ाना है, कस्टमर में आपका नाम बढ़ाना है, कस्टमर में आपका ब्रांड बढ़ाना है, कस्टमर हमेशा आपकी बात करना चाहिए, आपका माल ही सबसे पहले प्रेफरेबल होना चाहिए। अगर ऐसा आप चाहते हो तो आपको पता रहना चाहिए कि कस्टमर कितने टाइप के होते हैं, कस्टमर को कैसे अमेज किया जाता है, खुश किया जाता है, उनसे धंधा कैसे लिया जाता है और उनसे रेफरल कैसे लिया जाता है, और हमारा कस्टमर बेस भी सेटिस्फाइड रहे, बढ़े भी और हमारी तारीफ होती रहे पूरे मार्केट में। चाहते हो यस और नो? अगर हाँ तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ये लाइक एक मतलब है कि सर हम आपको चाहते हैं, अगर ऐसा है तो मजा आ जाने वाला है। शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आ सके। तो शुरू करते हैं। चार टाइप ऑफ कस्टमर होते हैं, चार कस्टमर के प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है चीप कस्टमर। चीप कस्टमर मतलब सस्ता कस्टमर नहीं, वो सिर्फ सस्ता चाहता है, उसकी चाहत है कि सस्ता मिले। वो हर चीज को देखता है कि ये सस्ते में मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हो, आपने बताया कि सर मैं महीने में 10 पोस्ट बनाने वाला हूँ और आपके ब्लॉग्स बनाकर दूंगा, आपको 4 वीडियो एडिट करके दूंगा और मेरा क्वालिटी ये है और मैंने 5 में इतने सारे काम किए हैं, उसके बेसिस पे मैं एक 15,000 रुपए आपसे चार्ज करना चाहता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो बोला सर पहले आप क्या किए उससे कोई मतलब नहीं है, हमको क्वालिटी बहुत ज्यादा कम ज्यादा रहेगा तो हम सह लेंगे, लेकिन हमको चाहिए 5,000 में या 10,000 रुपए में, आप 10,000 में दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? बोला साहब मैं तो दे नहीं सकता। तो फिर अब एक चीज ध्यान रखिएगा, कस्टमर को वो नंबर ऑफ ब्लॉग, नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो सारा याद नहीं है, उसको पैसा याद है, उसको पैसे से ही मतलब है। तो ऐसे कंडीशन में करे तो क्या करे? देखिए, चीप कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास में सबसे पहले कोई अगर आएगा ना तो आपको हो सकता है कि वो जानता नहीं हो, आप बहुत बड़े ब्रांड नहीं हो, आपका ट्रस्ट अभी क्रिएट हुआ नहीं है, हो सकता है आप 20 साल से धंधा कर रहे हो, आप उसको डायलॉग भी मार दो, अरे मैं 20 साल से धंधा कर रहा हूं यार, मुझको हर कोई ट्रस्ट करता है, लेकिन वो नहीं जानता सर आपको, नहीं जानता तो नहीं जानता। आप उनको बोलिए सर भले मैं 20 साल से काम कर रहा हूं लेकिन आपके लिए मेरे पास बहुत सुंदर सा पैकेज है, एक बेसिक पैकेज है सर जो कि बिगिनर्स पैकेज बोलते हैं, ये बहुत इकोनॉमिक भी है और 10,000 नहीं सर 7,500 रुपए में। अब उसमें हो सकता है कि क्वांटिटी आपने उसका आधा डाला हो, 7,500 रुपए में वो आपसे जुड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। बोलना सर 7,500 में 6 महीने चलने दीजिए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके रीच और आपके कस्टमर में बढ़ोतरी हो रही है तो सर हम लोग एग्जीक्यूटिव पैकेज देंगे जिससे आप और ज्यादा कस्टमर तक पहुंचे, उसके बाद प्लेटिनम पैकेज अलग से है सर, लेकिन आप 7,500 से शुरुआत कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो 7,500 वाला भी तब लेने वाला है जब आप 15,000 वाला भी बताओगे और एक प्लेटिनम वाला भी बताओगे, और फाइनली जब वो बोलेगा कि इससे सस्ता है कि नहीं है तब आपको 7,500 वाला बताना है, तब जाके 7,500 वाला लेगा। और एक बड़ी चांस है 15,000 वाला भी ले सकता है क्योंकि आपने 30,000 वाला प्लेटिनम पैकेज भी बताया हुआ है। तो फिर ये चीप कस्टमर को हैंडल करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका, हैंडल तो क्या खुश हो जाने वाला है, सीधी सी बात, बोले यार ये तो बात सही है, बहुत इज्जत के साथ सस्ता आइटम दे रहा है, इससे बढ़िया क्या होने वाला है। एक और एग्जाम्पल देता हूं, अगर कोई बहुत बड़ा 5,000 स्क्वायर फीट का अगर मिठाई का दुकान खोल ले, शानदार शोरूम बना दे, ऊपर में रेस्टोरेंट बना दे, 5 माले का है, 5,000 स्क्वायर फीट है, लेकिन उसके बाद भी उसको अपने काउंटर बाहर रखना पड़ता है जिसमें वो चाट गुपचुप और भेल वगैरह बेचता है जिससे लोग वहां पर पहुंचे और खाते रहे, और ऐसा व्यू रहता है कि अंदर में उसको दिखता रहता है कि शोरूम में क्या क्या अच्छा मिठाई भी, एक चॉकलेट भी तो ले सकते हैं, चॉकलेट तो चॉकलेट के रेट में ही मिलेगा, चलो अंदर जाके देख लेते हैं, 100 में से 10 लोग अंदर चले जाते हैं, इनके कारण भी धंधा हो जाता है। जो डायरेक्ट मिठाई लेने आया वो तो ठीक है, लेकिन वॉकिंस के कारण भी धंधा होता है और बाहर जो आपने काउंटर खोला है उसका भी भयंकर कमाई हो जाता है। तो चीप कस्टमर इंपॉर्टेंट हुआ, यस और नो? 100%। दूसरा, डिफिकल्ट कस्टमर, बीवी से डांट खाया हुआ है, किसी ने उसको डांट दिया है, उसने किसी को डांट दिया है, उसका मूड खराब हो चुका है, किसी ने उससे बहस कर ली है, अब वो आपके दुकान में या आपसे मीटिंग करने आ गया, बोलेगा भैया दरवाजा इधर से क्यों बनाया हो, उधर से बनाना चाहिए था, अरे इसके ऊपर में 2 माला और बनाना चाहिए था, कस्टमर के बैठने के लिए भी होना चाहिए, यहाँ पानी भी होना चाहिए, यहाँ फलाना भी होना चाहिए, आपके दुकान में क्या होना चाहिए वो सारा ज्ञान आपको दे डालेगा, और आपके बिजनेस में क्या होना चाहिए, सर्विसेज में और कौन सा ऐड करना चाहिए, फोकट का फालतू कंसल्टेंसी आपको देने लगेगा। लेकिन उस समय आपको लगेगा कि यार बहुत गुस्सा आ रहा है, या फिर अगर आप बहुत पेशेंस वाले हो तो आपका पेशेंस की परीक्षा हो रही होगी, लेकिन करना कुछ नहीं है। आपको क्या करना है जानना चाहोगे? तो सुनो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रेम से सुनना है, थोड़े देर, पूरा सुनते मत रहो, 1-2 घंटा नहीं, क्योंकि दिन भर में धंधा करना है, 5 मिनट होने के बाद में हम लोग को एक आध ऐसा क्वेश्चन पूछना है जिससे उनके ईगो में थोड़ा सा टच हो जाए,
क्या टच हो जाए? बोलना सर आप बात तो सब सही बोल रहे हो, ये सारी चीजें हम लोग नोट कर लेते हैं, लेकिन क्या सच में आप आज कुछ लेना चाहते हो या हमसे कुछ मदद चाहते हैं, यस और नो? क्योंकि आप सलाह तो दे रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि आप हमारे सलाहकार हैं, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। हम अपने कस्टमर का सलाह सराखों पर रखते हैं, उसके बाद क्या विचार करना है वो तो खैर हम कर लेंगे। आप कुछ लेना चाहोगे? हाँ भाई लेना तो आया था भाई, नहीं तो फिर मैं खाली थोड़ी हूँ जो इधर पे आ गया था। ठीक है कोई बात नहीं। सर आपका रेंज क्या है, कम रेंज है या फिर मीडियम रेंज है या फिर ज्यादा रेंज? अरे रेंज का कौन बात कर रहा है भाई? तो बोलना कि सर क्योंकि सर जो आते हैं ना सर, बहुत सारा हमसे बात करते हैं ना सर, वो रेंज उनका कम रहता है। अगर आप चाहें तो मैं कम रेंज में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर कम बोलना, इकोनॉमिक नहीं बोलना, क्योंकि उनको थोड़ा सा इज्जत में लगना भी चाहिए, थोड़ा सा वो हर्ट होना भी चाहिए, लेकिन उनको बुरा भी ना लगे क्योंकि आपके शब्द बहुत अच्छे हैं। ऐसा बोलने के बाद वो कस्टमर आपसे अच्छा प्रेम से ना सारा चीज मुस्कुराहट के साथ चल रहा है, उसके बाद वो बोले कि सर ये 5,000 वाला चीज आप ले पाएंगे क्या सर, ये वाला, या फिर ये 1,000 रुपए से काम चल जाएगा? बोले यार 5 वाला लेंगे, क्योंकि वो इगोइस्टिक आदमी है, झगड़ा जो कर रहा है वो इगोइस्टिक आदमी है। इगोइस्टिक आदमी को आप महंगा चीज अगर नहीं बेच पाए तो आप ढंग के सेल्समैन नहीं हो, उसको महंगा आइटम बेच दो, नहीं बेचे वो चला जाएगा। चले जाते समय बोलना सर आप बहुत अच्छे कस्टमर हैं, दिन भर में एक अच्छा कस्टमर मिला जो 2-3 रेफरल देने का दम रखता है, क्योंकि आपने बोला ना सर अपने डायलॉग में कि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, सर 2 लोगों का रेफरल तो दे दो, एक रेफरल शीट टिका दो उनको, रेफरल शीट में नाम और नंबर, बोलना सर एक फोन भी कर दो तो हमारा काम आ जाएगा, तो वो भागेगा वहां से या तो खरीदेगा, दोनों कंडीशन में आप बचोगे। तीसरा सोफिस्टिकेटेड टाइप कस्टमर है। तीसरा कस्टमर कौन है? सोफिस्टिकेटेड, ऐसा कस्टमर जो आपके बारे में जानता है, आपके बिजनेस के बारे में जानता है, आपके सर्विसेज के बारे में जानता है, यहाँ तक कि आपके कॉम्पिटिटर के बारे में भी जानता है, वो सब जगह पूरी दुनिया जानता है, लेकिन वो बात किससे कर रहा है सर? आपसे और आपकी टीम से बात कर रहा है, और वो आपसे कुछ कोटेशन लेना चाहता है, आपसे सर्विसेज के बारे में जानना चाहता है। उसको सर्विसेज का सबसे ज्यादा नॉलेज, प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा नॉलेज जिस बंदे को, केवल उन्हीं को बैठाना, केवल काम की बात सोफिस्टिकेटेड आदमी से करना, फालतू बात करने की जरूरत नहीं, फालतू बखान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बखान करने के बाद आदमी आने वाला था ना वो तो ऑलरेडी आ चुका है, अब कोई बखान नहीं, अब सीधा काम। ये सोफिस्टिकेटेड आदमी पहचानोगे कैसे? आप पहचानोगे ऐसे कि उसका क्वेश्चंस बहुत क्लियर रहेगा, वो आपके सर्विसेज के बारे में सीधा सीधा बात करेगा, क्वालिटी के बारे में बात करेगा, क्वांटिटी के बारे में बात करेगा, और आपने कितने लोगों का मदद कर दिया ये बात करेगा, उसको सर्विसेज बाद में मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये बात करेगा, हर वो प्रश्न इंटेलिजेंट प्रश्न है जो लेन देन से संबंधित है। लेन देन के अलावा जो भी प्रश्न है वो सपोर्टिव प्रश्न हो सकता है या बेकार प्रश्न हो सकता है, लेकिन सीधा लेन देन का बात कर रहा है, सोफिस्टिकेटेड कस्टमर है। ऐसे कस्टमर को पूरा जानकारी दीजिए, पूरा ज्ञान दीजिए, अपने बारे में अच्छे से बताइए, वहां पर खुलकर बताइए, आपका सोच भी बता सकते हैं, मुस्कुरा कर मजे से बात करिए, लेकिन उनको प्रेशराइज मत करना कि वो खरीदे, क्योंकि हो सकता है आपसे पहले 10 दिन से मिले या फिर आपके बाद भी 10 दिन से मिले, लेकिन आपका ये जो व्यवहार है जो उसको प्रेशराइज नहीं कर रहा है, ये व्यवहार आपके पास वापस लौटा के आएगा, और ये आदमी ऐसा है जो अगर तैयार हुआ तो तुरंत चेक दे देगा, और नहीं तो फिर वो सोच के फिर वापस जरूर आएगा। लेकिन इसके लिए आपको नॉलेजेबल, शांत, सारी जानकारी के साथ, मुस्कुराहट के साथ इनको डील करना है। अब चौथा, एफ्लुएंट कस्टमर। एफ्लुएंट कस्टमर ऐसा कस्टमर होता है जिनको कोई मतलब नहीं किसी चीज का, वो सिर्फ सोच के आया है, जो सोच के आया वही चाहिए। वो सीधा आके बोलेगा सर मेरे को काले कलर का BMW चाहिए, फलाना मॉडल चाहिए। अब वो मॉडल, वो कलर के अलावा अगर आप कुछ और ज्ञान दोगे वो बिदक जाएगा, वो नहीं मानेगा। उसके अलावा आप बोलोगे सर मेरे को फाइनेंस का भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपको इसमें 4 आना 8 आना बचेगा, उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो सीधा खरीद रहे हैं, आज उसको डिलीवरी चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए, एफ्लुएंट कस्टमर है। मैं आपको बताऊं 2009 में मैं शाहरुख खान का एक एड देखा था, पीले कलर का आइटन है जिसका छत खुलता है, वो आइटन गाड़ी खरीदने का मन हो गया, तो गाड़ी खरीदने के लिए मैं गया शोरूम में, मैंने बोला कि भाई आज मेरे को व्हाइट कलर की गाड़ी चाहिए, शाम तक आप दे सकते हो, यस और नो? उसने बोला सर आज तो नहीं मिलेगी, 2 दिन बाद मिलेगी, 6 दिन बाद मिलेगी, काला मिलेगा, पीला मिलेगा, मतलब नहीं चाहिए, आप ये दोगे तो मैं लिया, नहीं तो मैं दूसरे जगह चला। उसने मान लिया, और उसने क्या किया मालूम है, उसने सेल बढ़ाया अपना, उसने बोला कि सर हमसे एक 60,000 का एक्सेसरीज भी आपको लेना पड़ेगा, मतलब डन, पैसा दूंगा, शाम तक गाड़ी चाहिए, वो शाम तक गाड़ी दिया। मैं एफ्लुएंट कस्टमर था, मैं ज्यादा दिमाग, कोई भी चीज मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे वो गाड़ी चाहिए। तो कोई अगर आपसे सर्विसेज लेने आता है सिर्फ सर्विसेज दो, बोलना कि सर तत्काल चेक काटो और इसके साथ 2 चीज और भी ले लो, एफ्लुएंट कस्टमर को बेचना एकदम आसान है। लेकिन एफ्लुएंट कस्टमर क्या आपको नया कस्टमर ला के देगा? जरूरी नहीं है, वो खुद खुश होने आया था, नया कस्टमर दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। सोफिस्टिकेटेड कस्टमर नए कस्टमर जरूर ला सकता है, डिफिकल्ट कस्टमर हो सकता है बहुत सारे नए कस्टमर लाए, हो सकता है ना लाए। चीप कस्टमर बहुत कम चांस है कि आपके पास में नया कस्टमर लेकर आए। ये कस्टमर का अगर सोच आपको पता चल जाए, धन्य हो जाएगा धंधा और धन ही धन आएगा। तो दोस्तों कस्टमर का
ये जो प्रकार है आप समझ गए? अगर हाँ तो वापस से बोल दो, लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर करेगा। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देने को बने रहेगा मेरे साथ। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ।